सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग। ये जो टॉपिक है अभी यूट्यूब के ऊपर इतना ज्यादा ट्रेंडिंग और इतना ज्यादा वायरल चल रहा है कि कितने लोगों को तो इसके इस कारण से जो है कि जिंदगी बदल दी। कितने सारे जो कि नए क्रिएटर्स आए यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करने, और गाइस मतलब उन्होंने फर्स्ट ही वीडियो डाला, टाइटल में रखा माय फर्स्ट ब्लॉग और ये वीडियो डाला और उनका वीडियो जो कि वायरल हो गया। ठीक है, सब वीडियो में 5 लाख 7 लाख 1 मिलियन इस तरह के व्यूज आ रहे हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे जो कि एकदम तगड़ा एकदम तबाही मची हुई, इतना ज्यादा इस मतलब वीडियो पे व्यूज आ रहा है कि मतलब पूछिए मत। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो हमने भी टाइटल रखा माय फर्स्ट ब्लॉग, यहाँ पर देख सकते हो, शायद हो सकता है इस पे भी अच्छा जो कि व्यूज आ जाए। तो अभी गाइस जो नए जो ब्लॉगर आए मतलब ब्लॉग करने लगे यूट्यूब पे डाले, मतलब फर्स्ट वीडियो ही डाले और गाइस क्या हुआ कि उनका वीडियो जो कि वायरल हो गया। तो गाइस आज हम आपके साथ कुछ ऐसा ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे कि आप भी जो कि वीडियो माय फर्स्ट ब्लॉग यदि अपलोड करोगे तो वायरल होने के चांसेस है। तो गाइस मैं वो सारे स्टेप्स बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे ट्रिक्स बताऊंगा। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे टिक करके सभी ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा नाम रणवीर, आप देख रहे हैं गूगल टिप्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे कि आपका जो कि माय फर्स्ट ब्लॉग यदि आप वीडियो अपलोड करते हो तो वायरल होने के चांसेस हैं। सो गाइस फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप जो है कि सबसे ज्यादा वीडियो जो है कि यूनिक बनाए। ठीक है, एकदम यूनिक बनाए, प्रोफेशनल बनाए, सबसे अलग बनाए, कुछ उस वीडियो में अलग करने का कोशिश करें। मतलब दौड़ के आए, कुछ अलग एडिटिंग उसका करें, मतलब अलग, और उसमें क्या करें कि कुछ अच्छा म्यूजिक लगाएं, अलग उसका एडिटिंग करें, वीडियो एकदम यूनिक बनाए, ताकि क्या होगा ना कि आपका जो कि वीडियो अच्छा बनेगा। ठीक है, अच्छा बनने का कारण मतलब बात यह है, अच्छा इसलिए बनाना है ताकि वीडियो ऐसा स्टार्टिंग का क्लिप में ऐसा आप एडिट करें, इस तरह से म्यूजिक लगाएं, इस तरह से आप वहाँ इंट्रो अपना दें ताकि कोई भी व्यूअर आपके चैनल पर आए तो करीब 40 से 50 सेकंड तक आपका वीडियो जरूर देखे। और गाइस कोई भी व्यूअर जो है कि आपका वीडियो 40 से 50 सेकंड देखेगा तो चांसेस है कि वीडियो वायरल होने का चांसेस है, वीडियो पे अच्छा व्यूज आ सकता है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को एकदम यूनिक बनाए, अलग बनाए, एकदम म्यूजिक व्यूजिक अच्छा यूज करें एंड गाइस उसको अच्छा से एडिट करें ताकि जो व्यूअर्स है उसको वीडियो का कम से कम स्टार्टिंग पार्ट अच्छे से देखें। ठीक है, तो आपका वीडियो जो है कि वायरल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। देन गाइस अब आपको क्या करना है, थंबनेल आपको कुछ अच्छा बनाना है, एकदम यूनिक बनाना, मतलब ज्यादा भी डिफरेंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना, एकदम यूनिक इस तरह से थंबनेल बनाइएगा ताकि मतलब यूनिक रहे, अच्छा भी लगे, एकदम सिंपल सा थंबनेल रहे। मतलब कहीं पर कट करके डाल दिए सौरभ जोशी ब्लॉग इस टाइप के, ऐसे करके यदि डालेंगे और कुछ उसमें अलग अलग माय फर्स्ट ब्लॉग इस तरह का लिख के यदि आप थंबनेल लगाते तो भी गाइस चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, सेकंड ट्रिक ये रहा। थर्ड ट्रिक आपको ये है कि गाइस वीडियो का जो है कि टाइटल आप रखें माय फर्स्ट ब्लॉग एंड थंबनेल में भी उसको यूज करें माय फर्स्ट ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड में लिखे माय फर्स्ट ब्लॉग और भी गाइस आप वहां पर लिख सकते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन में और भी डाल सकते हो और टैक्स में भी माय फर्स्ट ब्लॉग ये सब करके आप डिस्क्रिप्शन में भी डालें। ठीक है, और गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, जो अगला जो है थर्ड है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो आप फर्स्ट ब्लॉग बनाएगा, जो फर्स्ट वीडियो आप बनाइएगा तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। मतलब जैसे कि 8 मिनट 10 मिनट का, इतना ज्यादा आप बड़ा बना दीजिएगा तो कोई आपको देखेगा नहीं, क्योंकि गाइस आप जो कि यूट्यूब पे नया हो, आपका चेहरा भी नया, आप कोई सौरभ जोशी या फ्लाइंग कोई बढ़िया जो है कि बड़े ब्लॉगर हो नहीं कि जो आपको लोग उतना लंबा लंबा वीडियो देखें, 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखें, तो आप कोशिश करो कि जितना शॉर्ट ब्लॉग बन सके, मतलब 2 मिनट 2.5 मिनट का। आप यूट्यूब पे अभी चेक कर सकते हो, सर्च करोगे ज्यादातर वही ब्लॉग्स वायरल हुए जो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का जो ब्लॉग था, वो सब वीडियो पे आप देखेंगे कि मतलब 4 लाख 5 लाख इस तरह का व्यूज होंगे। तो आप जितना कोशिश करो 2 से 4 मिनट का ब्लॉग बनाओ एंड अपलोड करो और उसमें अलग ही एडिटिंग रखो, एकदम यूनिक एडिट करो, म्यूजिक अच्छा लगाओ कि आपकी जो है कि लोग व्यूअर्स जो है कि आपके चैनल पे रुके, क्योंकि आपका कोई मतलब ज्यादा प्रोफाइल मतलब हाई प्रोफाइल चेहरा नहीं है, न्यू चेहरा है, न्यू आप यूट्यूब पे आए हो, नया नया वीडियो बना रहे हो। ठीक है, तो आप गाइस कोशिश करो शॉर्ट वीडियो रखो ताकि आपका जो है कि लोग आपके वीडियो को देखें, शुरू शुरू करें 50-60 सेकंड आराम से देखें ताकि आपके वीडियो पे आपका जो है कि वीडियो जो है वो सर्च में आने लगे, सर्च में आने लगेगा तो उसमें क्या होगा कि आप जैसे 40 से 50 सेकंड कोई व्यूअर देखेगा तो यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो अच्छा है, तो गाइस लोगों को मतलब भेजना शुरू कर देगा, जैसे कि आपका वीडियो का इंप्रेशन सब जगह से मतलब भेजने लगेगा तो आपका इंप्रेशन वीडियो का बढ़ जाएगा और गाइस वायरल होने के चांसेस है। तो गाइस ये सब कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ट्रिक्स थे। तो गाइस ये सब जो है कि आप यदि अपने वीडियोज में यूज करोगे तो शायद हो सकता है
आपको वीडियो पे अच्छा व्यूज आ जाए, हो सकता है वायरल भी हो जाए। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो गाइस ये सब कुछ ट्रिक्स थे, तो गाइस सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। आप लोग को हो सकता है, आप लोग यदि फर्स्ट वीडियो यदि डालना चाह रहे हो माय फर्स्ट ब्लॉग करके, तो शायद हो सकता है अच्छा व्यूज आ जाए, आप लोग को कुछ हेल्प हो जाए। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस इसी तरह का यूट्यूब ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड हमेशा हम अपने चैनल पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो गाइस अभी तक हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे टिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।